हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो स्वागत है एक नए वीडियो में। आप लोग का दशहरा एकदम धूमधाम से मनाए होंगे, आप लोग दशहरा में खूब मस्ती किए होंगे। तो चलिए फिर आओ, थोड़ा एजुकेशन के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा लर्निंग कर लेते हैं कि बिल्ली को शेर के मौसी क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन बड़ा फनी है, शेर को बिल्ली को मौसी क्यों कहा जाता है, बिल्ली को शेर के मौसी क्यों कहा जाता है, और आंसर इसका ही बड़ा लाजवाब है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक बने रहिए, तो आप लोग को सब कुछ पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों, कहता है बहुत से लोग बिल्ली को शेर के मौसी कहते हैं। इस कथन के सच्चाई के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना निश्चित है कि बिल्ली और शेर की शक्ल एक दूसरे से काफ़ी मिलती जुलती है। जीव विज्ञान के अनुसार शेर, चीता, बाघ, तेंदुआ, जगुआर, जंगली बिल्ली, पूमा आदि सभी जानवर बिल्ली के परिवार के ही सदस्य है। बिल्ली जाति के जानवरों को फेलाइन कहते हैं। इनकी शारीरिक बनावट एक दूसरे से काफ़ी मिलती है, शायद इसीलिए लोग बिल्ली को शेर को मौसी कहते हैं। दोस्तों, ये बड़ा ही रोचक बात है कि शारीरिक बनावट एक दूसरे से मिलता है, इसीलिए शेर का मौसी कहते हैं। सोचिए कितना गजब की बात है। क्या ऐसा बात होना चाहिए कि शेर के मौसी, अगर शारीरिक बनावट मिले तो शेर के मौसी हो जाना चाहिए? लेकिन यही बात कहा जाता है। और कहता है बिल्ली की जाति के ये जानवर संसार के सभी देशों में पाए जाते हैं। इन सभी के दांत बड़े तीखे होते हैं, जो चाकों की तरह इनके शिकार के शरीर में घुस जाते हैं। इनके पंजे गद्देदार होते हैं, जिससे इनके ज़मीन पर चलने में कोई आवाज़ नहीं होती है। लगभग सभी जानवरों के शरीर चितकवरे होते हैं। शेर बिल्ली परिवार का एक मुख्य सदस्य है, जिसे राजा कहा जाता है। जंगल के राजा शेरों, उसी तरह यह शेर भी है। सब बिल्ली परिवार यानी एक परिवार का एक सदस्य है, जो सबसे बड़ा है। इसकी ऊंचाई 1 मीटर तक होती है, इसकी लंबाई लगभग 2 मीटर तक होती है। यह अधिकतर अफ्रीका और भारत के जंगलों में मिलता है। शेरनी एक बार में 2 से 4 तक बच्चों को जन्म देती है। जब ये बड़े होते हैं तो इनके शरीर पर धब्बे बन जाते हैं। शेर के छोटे बच्चों को पकड़ कर पालतू बनाया जा सकता है। बाघ, टाइगर की ऊंचाई लगभग 1 मीटर की और लंबाई 2 मीटर तक होती है। यह बिल्ली परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है और अधिकतर एशिया के देशों में पाया जाता है। यह अपना शिकार रातों में करता है। इसके शरीर पर काली काली लकीरें होती है। टाइगर आदमी को भी समाप्त कर जाता है, यानी खा जाता है। तो ब्रो, टाइगर से बच के रहना। सब टाइगर से नहीं, शेर से भी। उसको जब भूख लगा तो वो नहीं समझेगा कौन आदमी है कौन जानवर है। भाई, भूख मिटाने के लिए तो कोई भी खेबे करेगा, उसका कोई अलग उपाय नहीं है। तो कृपया इस सब से बचे रहे और इस सब का भी रक्षा भी करें, किसी को मारना दे दे। चले और चलते हैं आगे। तेंदुआ की ऊंचाई लगभग 60 सेंटीमीटर, लंबाई 1.5 मीटर तक होती है। यह जानवर अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है। यह बहुत ही मजबूत जानवर है। यह अपने बराबर तक के जानवरों को मार डालता है। अरे पा, जानिए कितना मजबूत है कि अपने बराबर बराबर जानवरों को खल्लास कर देता है। और खाता है, यदि इसे छोड़ दिया जाए तो यह बहुत खतरनाक होता है। खतरनाक खतरनाक यानी सबको खलास कर देगा अगर यह छोड़ दिया जाए। इनके अतिरिक्त जगुआर, चीता, जंगली बिल्ली और घरेलू बिल्ली भी सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। चीता इस परिवार का एक ऐसा जानवर है जो सबसे तेज दौड़ता है। वाह, इसका गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुँच जाती है। सोचिए अगर ये मोटरसाइकिल बन जाए तो कितना स्पीड भागेगा, इससे भी स्पीड भागता है। 110 किलोमीटर पर घंटा, 1 घंटा में 110 किलोमीटर, वाह, इससे तो सवारी करने में बड़ा मज़ा आया। दोस्तों, आप समझ लिए कि बिल्ली को शेर को मौसी क्यों कहा जाता है। और अगर चीता पे सवारी करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि अगर चीता पे सवारी किए तो कैसा महसूस होगा। तेंदुआ जो बहुत फास्ट भागता है, बोले तो फास्ट से भी फास्ट। तो दोस्तों, चलिए फिर आगे चलते हैं। दोस्तों, आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो में कुछ कमी है तो वो भी बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें, ताकि हर को पता चले कि ये बिल्ली का मौसी का राज क्या है, बिल्ली का मौसी शेर का राज क्या है। जरूर अगर ये जान जाए कि बिल्ली का मौसी का शेर का राज क्या है, तो सबको पता चल जाएगा। आज हम लोग सुनते सुनते आ रहे हैं पर इसका असली मतलब नहीं जाने। तो आप लोग बस क्लिक कीजिए, ऐसे ही अनेक अनेक क्वेश्चन आपके पास लाएंगे। एक एक वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होगा। आप वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब।
और हो सके तो थोड़ा शेयर भी कर दे ताकि कुछ कुछ और पता चल जाए, क्योंकि ज्ञान जितना बांटिएगा उतना बढ़ेगा। यस, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। बाय।